Do you think doppelganger is a joke? तेलुगु स्टार कल्याण राम एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा से ही कुछ अलग और डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं और अपनी ऑडियंस को एंटरटेन भी करते हैं। पिछले साल अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म बिंबिसार के हिट होने के बाद वो वापस आ चुके हैं अपनी फिल्म आमिगोस के साथ। फिल्म 10 फरवरी यानी कि आज के दिन रिलीज हुई है और आज मैं इस फिल्म का नॉन स्पॉइलर रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बात करें फिल्म के प्लॉट की तो फिल्म सिद्धू नाम के कैरेक्टर से शुरू होती है जो कि बेंगलोर में रहता है, बहुत ही पारिवारिक आदमी है। उसे एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है जहां पर आप अपने डुप्लीकेट से अपने दोस्तों के थ्रू मिल सकते हैं और इसी के साथ वो अपने दो डुप्लीकेट बेंगलोर से मंजू और कोलकाता से माइकल तक पहुंचता है और फिर इन दोनों से मिलता है। फिल्म की कहानी अचानक तब बदल जाती है जब इन तीनों में से एक कैरेक्टर की बुराई के बारे में बाकी दो को पता चलता है और उसकी वजह से बाकी दो लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है और फिर वो किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन से बाहर आते हैं। फिल्म में ये देखना आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। फिल्म में सिद्धू, मंजू और माइकल के कैरेक्टर को कल्याण राम ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। सिद्धू और मंजू के रूप में आप जब भी उनको स्क्रीन पे देखोगे तो आप बहुत ज्यादा एंटरटेन होगे। अब आते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन पर। बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की तो वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है और आपको फिल्म में बोरिंग लग सकता है। कुछ गाने ऐसे भी हैं जो आपको लगेगा कि जबरदस्ती डाले हुए हैं। हालांकि यह फिल्म अगर चलती है तो कल्याण राम की परफॉर्मेंस से चलती है। बाकी आप लोगों ने यह फिल्म देखी है या नहीं और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ना तो ने कैट एंड माउस गेम आता रहा।